हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर और आसान डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के लिए हमें 16 के मल्टीपल प्लस एक फंदा चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये इस सिलाई में मैंने 49 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारे के लिए, टोटल 51 फंदे डाले हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, एक फंदा सीधा बुनें। ये फंदा सीधा बुनने के बाद धागे को पीछे ही रखें और 3 फंदे उल्टे बुनें। ऐसे हमारे 3 फंदों से पहले यहाँ जाली बन जाएगी। ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, ये 2 फंदों को उतार कर दोबारा सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का एक बनाएं। ये 2 का एक बनाने के बाद 5 फंदे सीधे बुनें। पांच फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएं। 2 का एक बनाने के बाद धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, धागा घुमाएं। ये हमारा 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करें। एक फंदा सीधा बुने, धागे को पीछे ही रखें, 3 फंदे उल्टे बुने। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 2 फंदों को उतार कर 2 का एक बनाएं। 2 का एक बनाने के बाद 5 फंदे सीधे बुने। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएं। 2 का एक बनाने के बाद धागा आगे लाएं, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, धागा घुमाएं। अब ऐसे ही हमने इसी पैटर्न को एक बार और रिपीट करना है। फंदा सीधा बुने, धागा पीछे ही रखें, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 2 फंदों को उतार कर 2 का एक बनाएं। 5 फंदे सीधे बुने, 5 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएं। धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, धागा घुमाएं। ये तीसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला फंदा सीधा बुने और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। इस डिज़ाइन की उल्टी सिलाइयाँ सारी सेम बुननी हैं। 2 नंबर सिलाई पहला फंदा उतारें और सारे फंदे उल्टे बुने। जैसे ये 2 नंबर सिलाई बनाएं, सारी उल्टी सिलाइयाँ वैसे ही बनानी हैं। तीन नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा पीछे ही रखें, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, पहले की तरह ही 2 फंदों को उतार कर 2 का एक बनाएं। 2 का एक बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने,
तीन फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुनें। ये तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद धागे को आगे ही रखें और एक फंदा सीधा बुनें। ऐसे हमारा 16 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करें, दो फंदे सीधे बुनें, धागा पीछे ही रखें, तीन फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं, तीन फंदे सीधे बुनें। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुनें, धागे को आगे ही रखें, एक फंदा सीधा बुनें। ये दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। ये तीसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला फंदा सीधा बुने और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। पांच नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, तीन फंदे सीधे बुने। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा पीछे ही रखें, तीन फंदे उल्टे बुने। धागा पीछे, पहले की तरह ही दो फंदों को उतारें, उतार कर दो का एक बनाएं, एक फंदा सीधा बुनें। एक फंदा सीधा बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुनें। तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद ये धागा आगे ही रखना है और दो फंदे सीधे बुनें। ये यहाँ तक हमारा 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब आगे इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करें। तीन फंदे सीधे बुनें, धागे को पीछे ही रखें, तीन फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं, एक फंदा सीधा बुनें। एक फंदा सीधा बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुनें। तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा आगे ही रखें और दो फंदे सीधे बुनें। ये दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसी पैटर्न को आगे तीसरी बार रिपीट करें। ये तीसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला फंदा सीधा बुने और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। सात नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, चार फंदे सीधे बुने। चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा पीछे ही रखें, तीन फंदे उल्टे बुने। तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे। अब हमने ये तीन फंदों का एक बनाना है। तीन का एक बनाने के लिए पहला फंदा बिना बुने उतारें, अगले दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। अब ये उतारे हुए फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार, ऐसे हमने ये तीन का एक बना लेना है। तीन का एक बनाने के बाद धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने। धागे को आगे ही रखें, तीन फंदे सीधे बुने। ऐसे ये हमारा 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। चार फंदे सीधे बुने, चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा पीछे ही रखें, तीन फंदे उल्टे बुने। तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे। अब ये तीन फंदों का एक बनाएं। तीन का एक बनाने के लिए पहला फंदा बिना बुने उतारें, अगले दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं।
और अब उतारे हुए फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार दें। तीन का एक बनाने के बाद धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा आगे ही रखें, तीन फंदे सीधे बुने। ये दूसरी बार हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के दो फंदों तक इसी पैटर्न को रिपीट करें। अब ये प्लस वाले फंदे को सीधा बुनें और किनारी वाले फंदे को भी सीधा बुनें। ऐसे हमने ये 8 सिलाइयाँ रिपीट करनी है और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।